नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उन्हें ये बताया कि आखिर सरकार बनाने में देरी क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है, तो कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी उसके विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि महाराष्ट्र में सत्ता के लिए संग्राम अब और तेज हो गया है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर खींचतान का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया, बस सरकार बनने में देरी के बारे में उन्हें बताया। इसके साथ ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज अपने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि पहले जो तय हुआ था हमें वही चाहिए, यानी 50-50 का फॉर्मूला। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाजपा पर महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। पहले मीडिया में खबरें आई कि कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी शिवसेना के विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता नितिन राउत ने अपने एक बयान में कहा कि उन्हें ऐसी खबरें मिली हैं कि कुछ कांग्रेसी विधायकों को भाजपा की तरफ से पैसों की पेशकश हुई है। कल हमारे एक या दो विधायकों को 25 करोड़ का ऑफर मिला। हम विधायकों की खरीद फरोख्त की इस परिपाटी को रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार गठन को लेकर भाजपा शिवसेना के बीच जारी रार अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। शिवसेना जहां 50-50 के फॉर्मूले के तहत सरकार गठन को लेकर अडिग है, तो वहीं भाजपा किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहती। अब राज्य का राजनीतिक भविष्य तय करने में एनसीपी बड़ी भूमिका निभा सकती है। मुंबई पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिवसेना के आरोपों पर कहा कि विधायकों को खरीद फरोख्त का कोई सवाल नहीं उठता। अगर भाजपा और शिवसेना के बीच मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है तो वो मैं कर सकता हूं। हालांकि इस दौरान गडकरी ने 2.5-2.5 साल सीएम वाली बात से इनकार करते हुए कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। अपनी बात को दोहराते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार गठन में संघ की कोई भूमिका नहीं है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोग ही प्रभावित हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है महाराष्ट्र में बहुत ही जल्द फिर से चुनाव कराना पड़े। फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महाराष्ट्र में अगर सीएम की कुर्सी को लेकर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी हो जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए आज की खबर।